जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली फॉर गर्ल्स है, लड़कियों के लिए। बहुत सारी लड़कियों के कमेंट आते हैं कि सर आप लड़कों लड़कों के लिए वीडियो बनाते हैं, हमारे लिए भी बना दीजिए फर्स्ट चॉइस का। और सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट चॉइस यानी फर्स्ट तीन टॉप चॉइस देने से पहले लड़कियों के लिए मैं ये चाहूँगा कि उनको मैं बता दूँ कि आपके लिए SSC GD की जॉब है कैसे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना होगा SSC GD की जॉब के बारे में। आप सभी को बता दूँ SSC GD के अंदर CRPF, BSF, ITBP, SSP, असम राइफल और BSF जैसी फोर्स, छह फोर्स ये हो गई, SSF और NIE। तो ये कुल फोर्सेस हैं, इनमें से CRPF या BSF के बारे में आपने बहुत सारे लड़कियों ने सुना होगा, असम राइफल के बारे में भी सुना होगा। सुनने को सभी फोर्सेस के बारे में आपने बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होगी और ज्यादातर लड़कियों को पता होता है, लेकिन जिनके माँ बाप होते हैं लड़कियों के, उनमें से कईयों का ऐसा मानना होता है कि लड़कियों के लिए फोर्स अच्छी नहीं, और आए दिन कोई ना कोई फोर्स का वो केस भी सुन लेते हैं, जैसे यौन उत्पीड़न का, या किसी भी बेल्ट की जॉब में जैसे पुलिस की भी, उनमें भी वो केस सुनते हैं, यौन उत्पीड़न हो गया या किसी भी प्रकार के हरासमेंट हो गया, इस प्रकार के केस आए दिन आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, क्या ये समाज में नहीं होती ये चीज़ें? तो गंदे लोग तो सब जगह होते हैं, एक दो। अब मुझे बताओ कि अगर आप खाना खा रहे हो और खाते खाते अगर आपकी दांत के नीचे जीभ आ गई, खाना खाते खाते दांत के नीचे जीभ आ जाती है, तो क्या खाना खाना छोड़ देते हैं क्या हम? नहीं, खाना खाना नहीं छोड़ते हैं, जहाँ जीभ है वहाँ अगली बार ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों गंदे लोग सब जगह हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप अच्छे हो, आपका कोई बाल भी मक्का नहीं कर सकता, कोई भी यौन उत्पीड़न या कोई भी इस प्रकार के हरासमेंट कोई नहीं कर सकता फोर्स में। ये जिनकी सोच है उनको डर लगता है, क्योंकि चाहे भाई हो चाहे माँ बाप, उनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं बता दूँ, आज का समय फुल डिजिटल समय है, फुल मतलब पारदर्शिता का समय है, सब कुछ ओपन रहता है, कोई भी किसी का किसी भी रूप से नाजायज रूप से गलत फ़ायदा ना तो उठा सकता है, ना ही किसी को हरास कर सकता है। और अगर करते हैं तो आप भी, अभी आपने सुने होंगे कुछ DIG IG तक भी सस्पेंड हुए हैं। तो ऐसे कोई नहीं बच सकता, कानून से बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो तो बाहर भी हो सकता है, अगर गलत काम हो तो आपने देखा होगा बाहर भी दिखते हैं जो फोर्स में नहीं होते। तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप तैयारी करिए, SSC GD की जॉब आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है। जितनी मेरी बहनें तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ लड़कियां तैयारी करती हैं, फिर वो घर वालों के जैसे इंटरेक्ट में आती है, उनके सामने आती है, तो घर वाले कुछ और कमेंट कर देते हैं कि यार अच्छे नहीं है, क्या फौज की तैयारी कर रहे हो, तो उनका फिर मनोबल टूट जाता है, फिर वो तैयारी करती है। तो आपको मोटिवेट रहना है, और आपके जितने भी अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, किसी का भाई देख रहा है, तो उनको बोलूँ बिल्कुल तैयारी कराइए आपकी बहन को या आपकी बेटी को। फोर्स लड़कियां कहीं कम नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, शायद आपने नहीं सुना होगा, जैसे नक्सलाइट जितने भी होते हैं उनमें लड़कियों को सबसे डेंजर नक्सली माना जाता है। क्यों? मिलिटेंट में भी क्यों लड़कियों को? क्योंकि लड़कियां कहीं कमजोर नहीं होती, ये तो समाज है जो उसको उनको कुछ ना फालतू के ड्रामे चौंसले कर करके उनको कमजोर बना के रखता है, लेकिन कहीं कमजोर नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, दिल लगा के तैयारी करनी है, फुल मोटिवेट होके अपने मतलब ये जान के कि हाँ इस बार मुझे फौज में जाना ही है, फौज की वर्दी पहननी है, चाहे CRPF की हो, BSF की हो, ITBP, किसी भी फोर्स जो आपको पसंद है उसको फर्स्ट चॉइस देके उसकी वर्दी पहननी है। फिर उसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको फर्स्ट तीन टॉप चॉइस जो आपको देनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको फुल मोटिवेट रहना, किसी चीज़ से डरना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता है। फोर्स में बोलते हैं कि आदेश ऐसे मिल जाता है, नहीं, कोई आदेश ऐसे नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसे आदेश देते हो फिर तो कोई जॉब कर ही नहीं पाएगा, नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। अगर मेरे को भी कोई गलत आदेश देगा तो मैं जॉब भी छोड़ दूंगा, भूखे थोड़े ना मर रहे हैं जो जॉब में नहीं है उनके अलावा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल बाहर की धारणा है। बहुत ही शानदार जॉब है, कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए दिल लगा के। और तैयारी करने के लिए सबसे खास बात, तैयारी करने के लिए आपके पास में अच्छी गाइड होनी चाहिए, अच्छी बुक होनी चाहिए। तो ये अरे अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक है शानदार, मॉडल पेपर की, इसकी ऑल इन वन बुक भी है, यानी टोटल डिस्क्रिप्शन यानी सभी की। और जो मॉडल बुक है इसमें आपको जो मॉडल पेपर दिए हैं उनके जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो भी बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को समझाया हुआ है, GK को, ओल्ड पेपरों को भी समझाया हुआ है, मॉडल पेपरों को समझाया है, जिससे आपको अगर कहीं परेशानी आई तो आप पीछे जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो बुक है बड़ी वाली, उसमें ऑल इन वन सेट दे दिया, ये आप अमेजन से जाके खरीद सकते हो। ये बेस्ट सेलर बुक हो रखी है अभी प्रेजेंट टाइम, बेस्ट सेलर बुक का मतलब है कि सबसे ज़्यादा परचेज होने वाली। आप भी कर लीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में बुक होना अच्छी जरूरी है, भले ही आप ऑनलाइन कितनी भी क्लास लो, बुक वाली बात अलग ही होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपके लिए फर्स्ट तीन चॉइस कौन सी होनी चाहिए। ज़्यादातर तो लड़कियों का क्वेश्चन रहते हैं, वो रहते हैं कि सर हम शादी के बाद में क्या अपनी फैमिली के साथ में रह सकते हैं? तो बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन
कुछ ऐसी ड्यूटी होती है जहां पर आप नहीं भी रह सकते। जब अगर मान लो आप इलेक्शन में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको इधर से उधर उधर से उधर ऐसे होना पड़ता है, तब आप नहीं रह सकते। या किसी टिपिकल एरिया में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो वहां पर फैमिली परमिशन कम होती है बाकी बदले, बाकी स्थान के बदले वहां पर जो लोकेशन में फैमिली परमिशन कम होती है। तो आपको मैं सबसे पहले जो सजेस्ट करूंगा, जहां पर आप फैमिली के साथ में ज्यादा वक्त बिता सकते हो या अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हो, तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस है CISF। CISF की जो ड्यूटी आप देखते हो, एयरपोर्ट ड्यूटी, इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूटी, दिल्ली मेट्रो ड्यूटी, यहाँ पर लड़कियों को एयरपोर्ट पे आपके ड्यूटी करते हैं देखा होगा। तो CISF में फैमिली परमिशन बाकी सब फोर्सेज की बजाय ज्यादा है, इनमें छुट्टियां कम है। छुट्टी इसमें मिलती है आपको 45 डेज, क्यों? क्योंकि आपको फैमिली परमिशन ज्यादा मिल जाती है, यानी 20 साल के सर्विस में लगभग 15 साल से प्लस फैमिली के साथ में रह सकते हो, तो बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छी सुविधा आप भी मानते हो। तो लड़कियों के लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए CISF, सेकेंड चॉइस होनी चाहिए SSB। SSB सीमा बल। दोस्तों अभी सभी को पता होगा SSB की जो ड्यूटी है भारत नेपाल बॉर्डर पर, जो कि बहुत ही शांत वातावरण में ड्यूटी है, उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी करती है, लेकिन लड़कियों के लिए SSB भी फोर्स बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बाकी फोर्सेस के बजाय इन दो फोर्स को लड़कियों के लिए मैं अपनी तरफ से ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। और ये मेरा कहने का कतई ये मतलब नहीं है, जैसे मैं खुद CRPF में सर्विस कर रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि CRPF अच्छी जॉब नहीं है, ITBP अच्छी जॉब नहीं है, या BSF अच्छी जॉब नहीं है, और असम राइफल अच्छी जॉब नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सभी जॉब अपनी जगह, अपने कार्य के लिए सभी जॉब शानदार है, लेकिन अगर मैं ये सजेस्ट करूँ अपनी तरफ से आपको कि लड़कियों के लिए प्रेजेंट टाइम फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, तो ये दो जॉब होनी चाहिए पहली, तो तीसरे मैं बाद में बताऊँ। तो ये दो जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि इनमें फैमिली रखने की सुविधा अच्छी मिल जाती है, और ड्यूटी हो नॉर्मल ड्यूटी होती है, एक फिक्स ड्यूटी है 6 घंटे की, 8 घंटे की ड्यूटी, तो उसके बाद में आप परिवार के साथ रहे। अब जो CRPF में जो ड्यूटी का शेड्यूल चलता है वो थोड़ा सा अलग हिसाब से चलता है, इसलिए मैं उसको उसमें फैमिली के साथ रहने की परमिशन बिल्कुल CRPF में ही मिलती है, लेकिन आप इन फोर्सेज की बजाय कम फैमिली साथ रखने की आपको सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों SSB में जो छुट्टी मिलती है वो 75 डेज नहीं, 75 डेज मिलती है, लेकिन CISF में छुट्टी 45 डेज ही मिलती है। अब थर्ड चॉइस के बारे में अगर बात करें, तो जिनको BSF पसंद है वो BSF दे सकते हैं, जिनको CRPF पसंद है वो CRPF दे सकते हैं, इन दोनों फोर्सेस में जिनको जो भी पसंद है वो दे सकते हैं। अगर तीसरी चॉइस अगर आपको मिलती है, तो अगर इन दोनों फोर्स में से मिलती है तो कोई टेंशन नहीं। आप सभी को पता है BSF के बारे में ज़्यादातर जो लड़कियाँ बोलती है, बोलती है कि सर क्या बॉर्डर पर भी ड्यूटी करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है, बॉर्डर पर भी ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं कि आपको बॉर्डर पे जाके धूप में खड़ा होना है बंदूक लेके ऐसे तान के, ऐसा नहीं होता है। मोर्चे बने होते हैं, वही फिक्स टाइमिंग से ड्यूटी करनी होती है, और कभी बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगती है, कभी आपको GC में या ग्रुप सेंटरों में भी आपकी ड्यूटी लगती है, तो वो कोई टेंशन नहीं है, आपका ट्रांसफर हर 3 साल से होता रहता है। तो इन तीनों जो फोर्स बताई जा रही, इनमें से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अपनी दे सकते हो, इसके बाद में ITBP और असम राइफल भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो पहले तो मेरी खास बात, सभी जितने मेरी प्यारी बहनें वीडियो देख रही हैं उनको, कि आप तैयारी करिए, दिल से तैयारी करिए, कोई बात नहीं, नंबर लाइए, अपना नंबर पक्का करिए, और जिस दिन नंबर आ जाएगा ज्वाइन भी करा देंगे। घर वाले जिनके खिलाफ भी अभी तैयारी करने के लिए मना भी कर रहे हैं, वो भी राजी राजी तैयारी आपको ज्वाइन करा देंगे। ये मैंने ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं अभी पिछली वैकेंसी में, जिनके घर वाले मान भी नहीं रहे, जब नंबर आया बेटी का, और जब बाहर के लोग बोलने लगे भाई तेरी बेटी तो फौजी बन गई, तेरी बेटी तो फौजी बन गई, तो अपने आप उनका इतना प्राउड हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ फौज में। तो आपके साथ भी ऐसा होगा और आपके घर वाले भी प्राउड करेंगे, इसलिए तैयारी करो दम लगा के।